नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका मैं हूं आपके साथ अनंत एक फरवरी को मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होगा यह अंतरिम बजट होगा आमतौर पर अंतरिम बजट अगले दो से तीन महीने में होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर पेश किया जाता है लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि अंतरिम बजट इससे पहले पेश किए गए अंतरिम बजट से अलग होगा दरअसल दो के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के साख दाओं पर है दूसरी ओर पूरा विपक्ष लामबंद होकर मोदी सरकार को हटाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा है ऐसे में बजट जितना आम आदमी के लिए खास है उतना ही महत्वपूर्ण ये एनडीए सरकार और खुद पीएम मोदी के लिए भी है बहरहाल उद्योग जगत से लेकर बाजार तक और करदाताओं से लेकर किसान और युवाओं तक सभी की नजर मोदी सरकार के चुनावी बजट पर है अब देखना है कि वित्त मंत्री के पिटारे से किसके लिए क्या निकलता है चुनावी माहौल के बीच मोदी सरकार एक फरवरी को अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है ऐसे में उम्मीद है कि सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करेगी देश की जनता इस बार के बजट में सरकार से क्या उम्मीदें रखती है पिछले उन दिनों से कुछ दिनों से हम जनता की मांगों को अपने कार्यक्रम के जरिए वित्त मंत्री पीयूष गोयल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज आपको राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट ले चलते हैं यहाँ के कपड़ा कारोबारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के व्यापारियों की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं एक फरवरी को मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है लेकिन इस बजट को लेकर देश देश की जनता की जनता क्या उम्मीदें हैं, देश के कारोबारियों की क्या उम्मीदें हैं अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं इन्हीं चीजों को जानने समझने और टटोलने के लिए एपीएन की टीम जगह जगह जा रही है और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक बाजार चांदनी चौक और इस वक्त मैं चांदनी चौक के एक आप देख सकते हैं कपड़े के शोरूम में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ ये जो तमाम लोग हैं ये सभी कपड़े और अन्य चीजों के कारोबार से जुड़े हुए व्यापारी हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं एक फरवरी को बजट है हमने देखा कि जब सरकार ने नोटबंदी लागू की थी तब व्यापारियों की नाराजगी सामने आई थी सरकार ने जब जीएसटी लगाया था तब आप लोगों की नाराजगी सामने आई थी क्या ये माना जाए कि ये आखिरी मौका है सरकार के पास अपने डैमेज कंट्रोल करने का तो लगता है कि आप लोग की उम्मीदें इससे ज्यादा है देखिए जैसा आपने कहा कि पिछले साढ़े साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं पिछले साढ़े चार साल में व्यापारियों के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया इस गवर्नमेंट ने जो व्यापारियों को जिसका फ़ायदा मिला हो चाहे वो नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो हमेशा व्यापारियों को परेशानियों का ही सामना करना पड़ा नोटबंदी के दौरान भी आपने देखा जिस तरह से व्यापारी वर्ग पूरा परेशान रहा और जी में तो पूरा आंदोलन एक चांदी चौक में और पूरे देश भर में चला तो अभी तक कोई ऐसा काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई है और मुझे लगता भी नहीं है क्योंकि अब साढ़े चार साल जिस गवर्नमेंट ने व्यापारियों के लिए कुछ नहीं सोचा तो अब आगे के एक महीने दो महीने में क्या व्यापारियों के लिए कर पाएगी गवर्नमेंट सर चुनाव सर पे है एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो गया लोकसभा चुनाव का तो क्या माना जाए कि सरकार थोड़ा ध्यान रखेगी इस बात का कि कम से कम इस बजट में नाराजगी कम से कम हो ताकि फायदा हो सके मैं, मैं उम्मीद तो पूरी करता हूं जी सर, सरकार डेफिनेटली हमारे लिए हम व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर इसको करेगी और हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करेगी जिससे हम लोग जो है मेन ध्यान अपना व्यापार की ओर रखे ना कि सरकार की जो ये फॉर्मेलिटीज़ जो है इनकम टैक्स के थ्रू और अलग अलग चीज़ों के थ्रू आती हैं उनको पूर्ण करने में लग जाए हमारा समय ज़्यादातर जो है ये जो इनकी सरकार की जो ये जो इनकम टैक्स और ये बाकी चीज़ों की जो, जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरे करने में निकलता है जबकि हमको अपना मेन ध्यान अपने व्यापार की ओर देना चाहिए सो ऐसी स्कीम्स लेके आए जिससे हमारी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाए ये मैं बिल्कुल ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कही कि जो दिक्कतें आ रही है व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है व्यापारियों की उसे बिल्कुल सरकार सरल बनाए उसे बिल्कुल करे ताकि उन्हें आसानी हो सर आपसे जानना चाहेंगे एक सवाल कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर बहुत सारी शिकायतें हमने देखी थी कि व्यापारियों की आई थी इस बजट में क्या आप चाहेंगे कि, कि जैसा सर ने भी बताया कि भाई हम चाहते हैं कि हमें काम करने दो हमें टैक्स प्रोसेस बिल्कुल आसान रखो कि हमारा ज्यादा एनर्जी उस पर ना लगे आपकी क्या उम्मीद है मेरी भी सरकार से यही मेरी भी सरकार से यही उम्मीद है कि जीएसटी रिटर्न जो मंथली फाइल होती है उसे क्वार्टरली या हाफ़ ईयरली करा जाए ताकि सिम्प्लीफिकेशन हो सके इसमें और व्यापारी जो है अब जैसा कि साहब ने कहा कि हम अपने व्यापार पर ध्यान दे सकें और साथ में टैक्स में भी थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि जो स्लैब है वो ढाई लाख से बढ़ा के पाँच लाख करा जाए या जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जाते हैं उसमें कुछ राहत दी जाए

सरकार के बजट की पोटली खुलेगी तो वो इनकी उम्मीदों पर कितनी खड़ी उतर पाती है कैमरा राजेश के साथ सुमंत कुमार एपीएन दिल्ली देश भर में रियल स्टेट मार्केट मंदी की मार झेल रहा है ऐसे में रियल स्टेट कारोबारियों को सरकार से बड़ी उम्मीद है कि वित्त मंत्री के पिटारे में ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिससे उन्हें राहत मिले रियल स्टेट कारोबारी इस बजट में क्या चाहते हैं आइए जानते हैं एक फरवरी को मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है इस बजट से अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों की क्या उम्मीदें हैं ये जानने की कोशिश एपीएन की टीम कर रही है और इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ हैं रियल एस्टेट से जुड़े जियोटेक होम्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता और उनके सहयोगी विनी जी प्रदीप जी आपसे मेरा पहला सवाल है की क्या उम्मीद कर रहे हैं चूंकि रियल इस्टेट के हालात पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं तो आपको उम्मीद है की इस बजट में सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि रियल इस्टेट में कुछ हालात सुधरे देखिए ये सरकार का मोदी सरकार का अंतरिम बजट है और चुनावी बजट होना चाहिए मेरे हिसाब से चुनाव के हिसाब से उससे दृष्टिकोण से भी देखा जाए और रियल एस्टेट के सेक्टर के हिसाब से आप देखो चार साल से बहुत मंदी चल रही है इस सेक्टर के अंदर और इस सेक्टर में बहुत ज्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की सरकार ने जीएसटी लगाई पहले इस पर पहले सर्विस टैक्स लगाया था पांच परसेंट का उससे पहले टीडीएस लगाया था एक परसेंट का तो इससे और आज जीएसटी बारह परसेंट की हो गई इस सेक्टर में जो नए फ्लैट बनते हैं तो एक तो हमारा मानना है कि सरकार इसको कम कम में लाएगी हमारी बहुत समय से मांग रही है सरकार से पांच परसेंट में लाना चाहिए सरकार को जो हमें जो हम, मा, हम मान रहे हैं इसके अंदर दूसरे हमारी सरकार से मांग रही है कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए क्योंकि आप देखिए बीस लाख लोग एनसीआर के अंदर केवल इससे जुड़े हुए हैं रोजगार की दृष्टि से तो आज इसको इंडस्ट्री का दर्जा देने से एक तो ये चलेगा जो उद्योग में जो इसमें जो कमी आ रही है इसको लोन अच्छा मिला लोन के रेट कम होने चाहिए कस्टमर के लिहाज से भी और बिल्डर के लिहाज से भी और दूसरे सरकार का नजरिया मैं तो एक ही बात कहूँ सरकार का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए इसके आखिरी सवाल सर बेहद संक्षेप मिलेंगे आपसे बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है सर बहुत सियासत इसमें हो रही है रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है सबसे ज्यादा जनरेशन में इसकी भूमिका है क्या आपको लगता है उस दृष्टि से भी इसे थोड़ा बुस्टअप करने की जरूरत है क्या क्योंकि अगर इससे सीमेंट उद्योग मजदूरों को काम मिलता है बाकी और छोटे छोटे कारपेंटर है तमाम लोगों को काम मिलता है तो उससे सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए क्या सर बहुत जरूरी है सुमन जी मैं ये कहना चाहूंगा इससे बड़ा आज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है रियल एस्टेट का इसके अगर आप इसको आप नहीं लोगे आप आप इस पर लोन के रेट कम नहीं करोगे जीएसटी में रेट कम नहीं करोगे बिल्डर को सुविधा नहीं दोगे आप किसी भी तरीके से तो इस उद्योग को आप नहीं बता सकते आप जो बार बार कहते हो कि बिल्डर पैसा इधर का उधर लगाता है लेकिन मैं कह रहा हूँ सारी इंडस्ट्री वाले पैसा लगाते हैं रिलायंस को देख लो टाटा का देख लो सरकार खुद लगाती है एक मत का पैसा दूसरे में लगाती है तो इसको बिल्डर को चोर क्यों कहते हो आप बिल्डर को जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो आप नजरें सही करिए बिल्डर के प्रति बिल्डर को अपना साथ हाथ से हाथ मिला करके उसको एक तरीके से आपको मैं ये नहीं कह रहा उसको सहयोग दो उस पर निकाछी रखो उसको सुविधा दो उसको इंडस्ट्री का दर्जा दो

किसी भी देश कि का भविष्य वहां की शिक्षा व्यवस्था पर टिका है ऐसे जरूरत है कि सरकारें शिक्षा के बजट के में खास इंतजाम करें इस बार के बजट में शिक्षा के लिए शिक्षा विदों की क्या मांगे हैं आई जानते हैं एक फरवरी को मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है लिहाजा इस बजट से देश के अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को क्या उम्मीदें हैं और इस बजट को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है इसे जानने समझने और टटोलने के लिए एपीएन की टीम जगह जगह जा रही है और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से बातचीत कर रही है इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में और यहाँ हमारे साथ हैं इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रीटा सिंह और उनकी सहयोगी मैम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं जानी मानी एजुकेशन एक्सपर्ट हैं सीधे इनसे बात करेंगे मैम बहुत लंबा अनुभव है कई दशकों का आपका एजुकेशन फील्ड में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं इस बजट से देखिए अभी की अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो इस प्रेजेंट जो दो की जी आई और जो पॉलिसी चल रही है वो काफी प्रो एजुकेशन ऑलरेडी है आ, स्कूल लेवल की शिक्षा उससे जुड़े हुए अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें या मिड डे मील की बात करें या कोई भी सर्विसेज उससे से जुड़ी सर्विसेज हैं या बुक्स की बात करें सब कुछ ऑलरेडी जीएसटी uh, फ्री है तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेप 2017 में लिया गया है जो बहुत अच्छी बात है थोड़ा सा क्योंकि आज की हम लोग हम समझ सकते हैं कि हमारी यंग जनरेशन है इंडिया जो है यंग है पच्चीस साल से उम्र के बच्चे मैक्सिमम हैं लोग मैक्सिमम हैं तो इसलिए थोड़ा सा और हमें मेरे को लगता है कि अगर हायर एजुकेशन में भी ये सारी टैक्सेशन की जो uh, रिलैक्सेशन है वो पहुंचे तो बहुत बड़ा इंडिया का उससे फायदा होगा बिल्कुल एक सवाल आपसे भी लेंगे कि हम देख रहे हैं कि स्कूल में मैम एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी जो है उसको भी स्कूल्स काफी बढ़ावा देने रहे चाहे स्पोर्ट्स की बात हो सिंगिंग की बात हो म्यूजिक की बात हो डांसिंग की बात हो तो क्या आप लगता है उस सेक्टर में अगर देखें तो एजुकेशन को लेकर तो सरकारें गंभीर है जैसा मैम नहीं बताएं लेकिन चूंकि हम चाहते हैं मैम खेलो इंडिया एक सरकार ने स्कीम लाई कि भाई सारे युवक जो है उसको खेले ज़्यादा से ज्यादा चाहिए हम भी ओलंपिक्स और बाकी में भी मेडल जीत सकें तो क्या है मैम कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है इसे प्रमोट करने के लिए भी कुछ सरकार को प्रोविजन करना चाहिए ताकि स्कूल मैनेजमेंट को थोड़ी आसानी हो या पेरेंट्स को आसानी हो हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी भी मींस जब मैं बाहर की बातें सुनती हूँ तो वहाँ पे मैंने सुना है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स बचपन से नहीं पढ़ना चाह रहा उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको हटा दिया जाता है उसको अगर मान लीजिए उसका डांस में इंटरेस्ट है व प्ले में किसी भी चीज़ में तो उस पर उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है पर हमारे यहाँ पर जो अभी भी, भी एजुकेशन सिस्टम अभी भी बना हुआ है इस तरह की स्कूल्स जरूर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करा रहे हैं पर एट एक पॉइंट में जाके सब वहाँ पर रुक जाता है जब वो स्कूल से बाहर बच्चा जाता है सीनियर क्लासेस में बस सीनियर हायर एजुकेशन में जाता है तो उसकी सबसे पहले परसेंटेज देखी जाती है और जो आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात बता रहे हैं स्कूल तो करा रहा है बट अगर आप प्राइवेट कहीं पे कुछ भी कोचिंग लेने जा रहे हैं बस पढ़ने जा रहे हैं बस सीखने जा रहे हैं कुछ भी डांस उसकी भी फीस बहुत हायर होती है क्योंकि उनकी अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी अपनी जो भी लोग सोर्सेज देते हैं उसको तो मुझे वो लगता है मैम जैसे टैक्स फ्री करने के लिए कह रहे हैं हायर एजुकेशन को तो मुझे लगता है उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे और क्योंकि है हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है चाहे खेलने पे भी देखे, आज की से ही इस तरह से कर तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा हमारे आगे का जो फ्यूचर आ रहा है जो आगे का जनरेशन आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये ये नंदिता ने बहुत अच्छी बात बोली और ये इसी से मेरा भी एक चाह था ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो स्पोर्टिंग गुड्स हैं वो टैक्स सेशन से फ्री नहीं है और उससे ही हमारे को एक थॉट समझ में आता है गवर्नमेंट का कि किताबें फ्री कर दी गई

गंभीर होनी चाहिए और इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कि हायर एजुकेशन एक कॉमन आदमी के लिए भी अफोर्डेबल हो सके कैमरामैन सागर के साथ सुमंत कुमार एपीएन गाजियाबाद एक फरवरी को बजट पेश होना है ऐसे में देश भर की नजरें वित्त मंत्री के पिटारे पर है आखिर इसमें किसके लिए क्या निकलने वाला है एपीएन देश भर में घूम घूम कर लोगों से बजट से उम्मीदें की बात कर रहा है इस बारे में बात की जा रही है और इस कड़ी में हम मेरठ पहुंचे और यहाँ के सभी वर्गो के लोगों से बजट पर चर्चा की गई दो का बजट पेश होने वाला है और सरकार का ये आखिरी बजट है इस बजट में क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए आज यहाँ चाय पर चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और चाय की चुस्कियों के साथ हम शुरुआत करते हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे इन चाय की चुस्कियों के साथ आइए आपको बात कराते हैं यहाँ हर तबके से लोग हैं हमारे साथ और यहाँ व्यापारी भी हैं राजनीतिक लोग भी हैं युवा भी हैं और इनसे बात करते हैं कि कैसा बजट चाहिए सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा नरेश गुजर एडवोकेट आप ये बताएं कि बजट पेश होने वाला है किस तरह का बजट है क्योंकि सरकार का ये आखिरी बजट है देखिए पिछले सालों के बजट पे अगर हम दस्ती डालें तो पिछले सालों में भी जो आदरणीय मोदी और वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो बहुत सुंदर बजट था गरीबों के लिए उसमें छूट थी निर्धनों के लिए छूट थी निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कई चीज़ों में सहूलियत दी गई और उसके बावजूद भी सही मान में किसान उनमो की बजट था डाई हो यूरिया हो इन सारी चीज़ों पर या अक्षय ऊर्जा के तहत चलने वाला सोलर पैनल हो इन सारी चीज़ों पर इतनी बजट में छूट किसानों को दी गई तो उम्मीद ये है कि आने वाला बजट भी बहुत शानदार बजट होगा और खास और गरीबों के लिए खासकर उसमें बहुत सारी सहूलियत पहले की तरह दी जाएंगी ऐसी हम भारतवासी भारत के लोग और किसान मजदूर व्यापारी किसान सभी लोग ऐसी आशा करते हैं आपकी उम्मीद है आपका क्या नाम है सबसे पहले मेरा नाम नरेंद्र सिंह खजूरी है आप ये बताएं कि, क्या सोच के चल रहे हैं कि सरकार का आखिरी बजट है इसके बाद चुनाव है क्या ये बजट कितना इंपैक्ट करेगा इस चुनाव में क्या आपको लगता है कैसा और क्या होना चाहिए ये इस एनडीए की सरकार का चौथा बजट है अगर विगत बजट की तुलना करो तो आज गरीब महिलाएं, किसान नौजवान व्यापारी सभी के सभी को निराशा हाथ लगी है ये बजट इससे पहले जो बजट हुए हैं उन बजटों में भी और इस बजट में भी ऐसी कोई सरकार से उम्मीद नहीं है कि ये किसानों नौजवानों गरीबों का और व्यापारियों का कितों की देखभाल कर सके आ, आपका क्या नाम मेरा नाम सोहराब गयास है। और आप क्या मानते हैं थोड़ा उधर हो। क्या कैसा बजट आप मानते हैं कैसा बजट हो किस तरह से क्या देखिए आज हालात जो है सबसे सबसे पहले तो मैं बत, कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो सबसे मैन कड़ी हमारे देश की किसान है हम ये चाहते हैं कि किसानों का एक तो कर्ज़ माफ हो और आगे कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को कर्ज़ लेने की ज़रूरत ना पड़े और सरकार को कर्ज माफ़ करना ना पड़े तो सबसे पहले किसानों की आर्थिक हालत सुधारी जाए ऐसा बजट सरकार पेश करे गन्ने का दाम पूरा टाइम से दिया जा सके मिल मालिक मनमानी ना करें और स्वास्थ्य पे जो गांवों में बीमारियां फैल रही हैं स्वच्छ अभियान चल रहे हैं लेकिन आज भी हमारे देश में काफ़ी तादाद में देहात क्षेत्रों में गंदगी है उस पर अच्छा बजट दिया जाए ताकि गांवों में सफाई हो और शिक्षा पे दिया जाए जो बच्चे महंगे महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते फीस इतनी ज़्यादा है उनके लिए प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाए उसके लिए अलग से सरकार बजट दे ताकि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें और उन्हें प्राइवेट स्कूलों में अपने घर के परिवार के पैसे को खर्च ना करना पड़े दो के चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव में जो आज बजट पेश हो रहा है इसको लेके क्या लगता है कि सरकार क्या इससे रास्ता बना पाएगी और किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए सरकार को ये बिल्कुल सत्य है, है। आरवी त्यागी नाम है मेरा और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट बहुत अच्छी सरकार है और इससे आम आदमी को जो है इतनी उम्मीदें हैं कि ये उसकी इच्छा है कि हमें कुछ थोड़ा सा हो थो मामला अच्छा ही आएगा हमारा बजट पूरी उम्मीदें हैं लोग बढ़िया हैं एक से एक अच्छे आज तक जितने भी हुए जो है इन्होंने एक से एक जो भी अच्छे काम इन्होंने किए हैं पूरी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा ही होगा आप बताएं अमरदीप जी काफी युवा हैं किसान भी हैं व्यापारी भी हैं सब चीजों में आपके गुण हैं तो आप क्या पूरा एनालिसिस करते हैं कि सरकार को कैसा बजट पेश करना चाहिए क्या आपकी उम्मीदें हैं और क्या आपको लगता है क्या बेहतर है क्योंकि सरकार का ये आखिरी बजट है चुनाव के हिसाब से मेरे हिसाब से सरकार को सबसे पहले युवाओं को रोजगार का ध्यान में रखते हुए युवाओं को केंद्रित करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक रोजगार युवाओं को मिल सके कैसा बजट आप चाहते हैं कैसा बजट सरकार को पेश करना चाहिए आखिरी है क्या ये बजट आखिरी बजट जो है 2019 के चुनाव का कुछ रास्ता सरकार के लिए साफ होगा दोनों चीज़ों पे आप बताइए क्या किसानों के लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए अगर किसानों को कर्जा माफी ना करके किसानों को जो है जो सबसे फास्ट पेमेंट जमा करते हैं क्रेडिट कार्ड का उनको कुछ सुविधा देनी चाहिए ना कि उनको जो पेमेंट लेकर देना ना चाहे सबसे पहले तो ये काम होना चाहिए मोदी सरकार के आखिरी बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ऐसे में औद्योगिक नगरी कानपुर में बजट पर चर्चाओं का दौर जारी है सड़क चौराहा गली मोहल्ला सभी जगहों पर लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं सभी की निगाहें वित्त मंत्री की पोटली पर हैं तमाम आशा और आकांक्षाओं के बीच इस बार के बजट से कानपुर के सभी वर्गों के लोगों को वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं आइए जानते हैं एक फरवरी को वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे ये बजट चुनावी बजट हो सकता है क्योंकि चुनावी साल है इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं सरकार से उनके लिए को ना कोई रियायत होनी चाहिए आखिर आखिरकार पीयूष गोयल साहब के पिटारे से क्या निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन हमारे बीच में आम जनता के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे अपेक्षाएँ जानेंगे क्या उम्मीदें उन्होंने कर रखी हैं बतौर अगर महिला बात करते हैं तो क्या उम्मीदें हैं आपकी मोदी सरकार से बजट को लेकर महिलाओं की विशेष उम्मीदें हैं इसलिए कि महिला एक पूरा घर चलाती है और मुझे लगता है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं जरूरतों का सामान है उनको सस्ता किया जाए और हमारी महिलाओं में परसेंटेज बढ़ाया जाए अब आम बजट की बात की जाए तो मोदी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं बतौर यूथ आप लोग क्या उम्मीदें करते हैं क्या होना चाहिए क्योंकि चुनावी साल भी है तमाम अपेक्षाएं होंगी आप लोग बजट जो गरीब जनता है जो मध्यम वर्ग है उसकी पहुंच में होना चाहिए और बजट का जो दायरा है जो ढाई लाख का दायरा है वो बढ़ करके उसको बढ़ाना चाहिए हाँ उस उसकी छूट की सीमा बढ़ाना बढ़ना चाहिए जिससे जो है आम लोग भी जो गरीब आदमी है उसके भी जो है उसको भी लाभ मिले जो है नहीं होनी चाहिए छूट की सीमा जो आयकर में छोटी से कम पाँच लाख तक जो तो है छूट की सीमा होनी चाहिए जो है एक बड़ा मामला है आयकर में छूट की सीमा को लेकर अक्सर मांग उठती रहती है हर साल ये उम्मीद की जाती है कि जो छूट की सीमा है बढ़नी चाहिए इनका कहना कि पाँच लाख होनी चाहिए आप लोगों का क्या मानना है यही मानना है क्या कहना चाहेंगे आम बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आप लोग बस आयकर में छूट होनी चाहिए पाँच लाख तक की ही जो है मध्यम वर्ग की क्या करते हैं आप मैं व्यापारी हूँ बतौर व्यापारी क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की सरकार से मेरी सरकार से उम्मीद ये है कि सरकार जी में जैसे उसने पहले कहा पहले किया था कि बीस लाख तक का जो है जो दायरे में व्यापार करते हैं साल में उनको जो है जी जिस नहीं है अब चालीस कर दिया गया है इसका हम स्वागत करते हैं और बजट में सरकार से ये अपेक्षा अच्छा करते हैं कि गरीबों के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए भी ऐस, ऐसा कुछ करें हैं कि ये जो है आगे चल कर के जो है अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चल सकें देखिए जो इनका कहना है जो कारोबार की सीमा थी अगर जो 20 लाख रुपए तक थी वो जीएसटी से बाहर थी अब 40 लाख कर इसका इन्होंने स्वागत किया है और निश्चित तौर तो से उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाला बजट है वो और अच्छा हो बेहतर हो व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आम बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं आप लोग सर आम बजट को लेकर बहुत उम्मीदें हैं कुछ ऐसे कुछ और व्यापारिक को लेकर व्यापारियों को ले कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए टैक्स में कुछ रिलैक्सीसन देना चाहिए और आपके जो इनकम रेंज है जो एग्जेंसन इनकम रेंज है उनको कुछ बढ़ाना चाहिए और खास तौर पर हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ रिजर्वेशन वाली जो चीजें हैं वो थोड़ा कम करें जिसकी वजह से आम लोगों को चीजों में आने का आगे रहा मिले अगर बजट की बात करते हैं बतौर बुजुर्ग आप लोग की क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार से भैया उम्मीदें जो जैसे आपकी वैसे हमारी हैं भैया काम धंधा नहीं चल रहा आदमी का वो तेज होना चाहिए और कारोबार व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए हम आपके कुछ युवा हैं उनसे भी बात करेंगे आखिरकार वो क्या अपेक्षा करते हैं बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार से पीयूष गोयल साहब से क्या उम्मीदें हैं अगर बात की जाए बजट को लेकर तो क्या अपेक्षा करते हैं सरकार नहीं सबसे पहले जो अपेक्षा ये है कि लिमिट बढ़नी चाहिए जो ढाई लाख है उसको पांच लाख तो कम से कम होना ही चाहिए आयकर में छूट की सीमा जी जी अगर ये होता है तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बस यही है पिक्चर आप क्या उम्मीद करते हैं बजट को लेकर यही उम्मीद करते हैं अभी तो मुझे सरकार बहुत अच्छा कर रही है और आगे हम लोग भविष्य में यही चाहेंगे कि मोदी साहब हम गरीबों को देखें गरीबों को समझें उनका बजट जो है जो चल रहा है जो डिमांड वही जनता के लिए करें आज किसान कर्ज माफ़ी की तमाम बातें होती हैं व्यापारी वर्ग ने भी एक मांग उठाई है कि व्यापारियों का जो छोटा ऋण हो उसको माफ़ किया जाए तो क्या लगता है कि बजट में किस तरह की अपेक्षाएं आप लोग करते हैं व्यापारियों को लेकर क्या उम्मीदें करते हैं बजट में जो है पहले भी मोदी सरकार ने अच्छे दिया है किसानों के लिए और कर्ज माफ़ हो रहा है और आगे भी जो सरकार बनेगी 2019 में तो कर्ज़ सबका माफ़ होगा और बजट जो है अभी पहले भी अच्छा आया है और अभी भी अच्छा ही आएगा और आगे भी अच्छा ही आता रहेगा हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे का कर जानेंगे कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं उनकी क्योंकि एक फरवरी को पीयूष गोयल जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे बजट को लेकर हर वर्ग चाहे नौकरी पेशा हो व्यापारी हो कारोबारी हो शिक्षक हो या छात्र हो हर आदमी की उम्मीदें होती हैं आपकी क्या उम्मीदें हैं देखिए सबका साथ सबका विकास चल रहा है मोदी जी 2019 में आ रहे हैं और जहां घर भरा होता है सबको बढ़िया माल खिलाया जाता है जीएसटी लगी गरीब परेशान नहीं हुआ और स्पेशल रिपोर्ट फिलहाल सिर्फ इतना ही ब्रेक का ब्रेक के उस बार खबरें लगातार एपिन पर जारी रहेंगी